Thank you very much for being here in this scorching heat of Ahmedabad, Maine. I think the credit goes to our speaker this afternoon, Sri Ashok Vajpayee, who needs no introductions, but slaves of formality that we are, we cannot avoid it. Ashok Bhai might prefer me to speak in Hindi, the language that he is going to be used for his recitation, but I have to apologize and express my inability to be as fluent and lucid in Hindi. Thodu Gujarati aavshe. Ashok ji to ye samji le chhe. Gujarat sathe ghana parichit chhe. એમના કાવ્યો ગુજરાતીમાં પણ અનુદિત થયેલા છે. જે જે ભાષાઓમાં એમના કાવ્યો અનુદિત થયા છે તેનું લિસ્ટ લાંબુ છે. બંગાળી, રાજસ્થાની, ઉર્દુ, હિન્દીમાં તો એ લખે જ છે, અંગ્રેજી, પોલિશ, ફ્રેન્ચ. એક હિન્દીના સુપ્રસિદ્ધ કવિ હોવા ઉપરાંત શ્રી અશોકભાઈ ભારતના કલ્ચરલ કેનવાસ ઉપર છવાયેલા છે એવું કહી શકાય. ભોપાળના પ્રસિદ્ધ મલ્ટીમીડિયા કોમ્પ્લેક્સ કમ મ્યુઝિયમ ભારત ભવનના નિર્માણમાં એમનું ખૂબ મોટું અને સક્રિય યોગદાન રહેલું છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ કલ્ચર સાથે સંકળાયેલા અને સાહિત્ય અકાદમી, સંગીત નાટક અકાદમી, લલિત કલા અકાદમી, ICCR આવા વિવિધ કલ્ચરલ અને લીડિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન સાથે એમનો સંપર્ક રહેલો છે. તેઓ સાહિત્ય અકાદમીના અવોર્ડ અને દયાવતી મોદી કવિ શેખર સન્માન તેમજ રાષ્ટ્રીય કવિ સન્માનથી સન્માનિત છે. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ સફિશિયન્ટ. અશોકજીને વિનંતી કરું એમનું કાવ્ય પઠનનો આરંભ કરે. આપણામાંથી જો કોઈકની ફરમાયશ હોય તો પ્લીઝ ફીલ ફ્રી ટુ સજેસ્ટ સમથિંગ આફ્ટર હી હેઝ બીન થ્રુ વિથ ઇટ. Thank you very much once again. મિત્રો, આપને સે કુછ કે લીએ યે દોહરી સજા હોગે. યાની એક તો પહેલે આપ મેરી કવિતાએં સુને, ફિર ઇસમે સે પતા નહીં કિતને આપ બચેંગે, કવિતા સુનને કે બાદ મેરા વ્યાખ્યાન ભી સુનો. જો બચેંગે ઉનકે લીએ દોહરી સજા હૈ. જબ મેં યહાં આને કા मैंने निमंत्रण स्वीकार किया तो यद्यपि मुझे भाषण देना था, पर आप जानते ही होंगे कवि लोग लोभी भी होते हैं और चोर भी होते हैं. हालांकि भीष्म पितामह ने राजधर्म बताते हुए दुर्योधन और युधिष्ठिर से कहा था कि राजकाज में लोभियों और चोरों को नहीं लगाना चाहिए. लेकिन इसलिए राजकाज में कोई कवियों को नहीं लगाता, वो किसी और माध्यम से वहां पहुंच जाए और बात है. जैसे मैं ही पहुंच गया, लेकिन उनको कवियों की तरह राजकाज में नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो चोर भी होते हैं, यानी दूसरों से चुराते हैं, और लोभी भी होते हैं. मतलब ये कि हर हालत में किसी न किसी तरह से अपनी कविता को पेश कर देते हैं. तो मुझे अब कविता लिखते 60 से अधिक बरस हो गए, यानी बेशर्मी के 6 दशक कविता पर जमे रहने के. सार्थकता या सफलता का मानदंड नहीं है. आजकल उपन्यासकार, गद्यकार, गद्य का बहुत घटाकोप है और कविता बिचारी थोड़ी अल्पसंख्यक है. तो फिर भी अब क्योंकि मुझे कुछ और आता नहीं था, थोड़ा बहुत गद्य लिखने की मैंने कोशिश की है, लेकिन वो आलोचनात्मक
पढ़ा तो मैं अंग्रेजी साहित्य हूँ, लिखता हिंदी में हूँ, और हिंदी में लिखने से एक भी फायदा है कि मैं तीसरे चौथे दर्जे के अंग्रेजी उपन्यास लिखने से बच गया, जिनकी बड़ी कीमत अखबार वाले मीडिया वाले करते रहते। बहरहाल अब मेरे जीवन में जीवन के अलावा कलाओं का बहुत महत्व रहा है, बल्कि मैं कलाओं को भी दूसरा जीवन अपना मानता रहा हूँ। इसलिए मैंने कवियों, कलाकारों, चित्रकारों इत्यादि पर भी बहुत, संगीतकारों पर बहुत कविताएं लिखी। एक पूरा संग्रह ही है उजाला एक मंदिर बनाता है, जिसमें सिर्फ चित्रकार संगीतकार थे। मैं उसी संगीतकार मल्लिकार्जुन मंसूर, आप सब जानते होंगे, 20वीं शताब्दी के बहुत महान गायकों में से एक थे। इस कविता को पढ़ने के पहले सिर्फ ये बता देना थोड़ा सा जरूरी है कि उनको मान्यता और प्रतिष्ठा उनके जीवन के उत्तर काल में, जब वो 60 से ऊपर पहुंच गए थे। उनकी खासियत ये थी कि जैसा गाना उन्होंने शुरू किया वैसा गाना वो जिंदगी भर गाते हैं, और उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन लोकप्रियता के लोभ के कारण नहीं किया, तो थोड़ा उसमें अपने दूध में पानी मिला दो इत्यादि। तो मैंने, वो बीमार पड़े तो मैं उनके बड़ा निकट था, मैं बहुत उनको, तो ये मैंने एक शुभकामना के का एक आयोजन किया ग्वालियर में, जहाँ मैं अपने दुर्दिन में सिविल सेवा में वक्त काट रहा था थोड़ा सा। तो बाकी सब लोगों को बुलाया, संगीतकारों इत्यादि को, तो मैंने सोचा मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। तो मैंने तीन कविताएं थी, एक कविता आपको सुनाता हूँ। अपनी रफ्तार से चलते हुए बहुत बाद में आते हैं मल्लिकार्जुन मंसूर और समय से आगे निकल जाते हैं। उलझनों भरे घावों खरोचों से लथपथ टुच्छे होते जाते समय से आगे, उनके पीछे आता है गिड़गिड़ाता हुआ समय, दरिद्र और अपंग भीख मांगता हाथ फैलाए समय हांफता हुआ। मल्लिकार्जुन मंसूर अपने भरे पर फिर भी सीधे बुढ़ापे में हल्का सा झुक कर रखते हैं काल के कंधे पर अपना हाथ, छिटक कर सुलगाते हैं अपनी बीड़ी, चल पड़ते हैं फिर किसी अप्रत्याशित पड़ाव की। अपने लिए कुछ नहीं बटोरते उनके संत हाथ, सिर्फ लुटाते चलते हैं सब कुछ, गुनगुनाते चलते हैं पंखुरी पंखुरी सारा संसार। ईश्वर आ रहा होता घूमने इसी रास्ते, तो पहचान न पाता कि वो स्वयं है या कि मल्लिकार्जुन मंसूर। अब मैंने कविता में, मतलब राजनीति में तो परिवारवाद की आजकल बड़ी निंदा होती है, हालांकि निंदा करने वालों का भी परिवार है और उनका भी परिवारवाद होता है अक्सर, लेकिन हिंदी में परिवार के ऊपर कोई विशेष कविताएं नहीं हैं। मैं उन छोड़ों में से हूं जिन्होंने अपने माता पिता पोते इत्यादि इत्यादि पर कविताएं लिखी। तो जब मेरा पोता 2 बरस का हुआ तो उसके लिए मैंने एक, अच्छा मैं वैसे तो मुझे आस्था का वरदान नहीं मिला है, लेकिन प्रार्थनाएं मैंने बहुत लिखी है। तो खुदा जाने ये किससे मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि खुदा तो है नहीं जिससे मैं प्रार्थना करूँ, कम से कम मेरे लिए नहीं है। तो ये ऐसा ही, मतलब असंबोधित प्रार्थनाएं हैं एक तरह से। अपने पोते की दूसरी वर्षगांठ पर एक प्रार्थना। अब वो यहाँ IIT गांधीनगर में पढ़ता है, अब इतना बड़ा हो गया है, पर तब वो जब 2 बरस का था। 60 बरस का हो जाने के बावजूद मुझे एक भी प्रार्थना याद नहीं है। अपने पिता को मैंने प्रार्थना करते कभी नहीं देखा, मेरी माँ ने मुझे कोई प्रार्थना नहीं सिखाई। मैंने बहुत कुछ गंवा दिया है पर प्रार्थना नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी कभी मेरे हिस्से में नहीं आई।
तुम एक कुतलाता हुआ वाक्य हो जिसके इर्द गिर्द मैं एक प्रार्थना बोलना चाहता हूं। मैं उसमें गर्माती धूप, हरी पत्तियों का भय, पक्षियों का अखट उत्साह, खिलौनों की दिव्य आभा, बर्तनों में अन्न की आहट, सपनों से भारी नींद, आकाश में दिग्भ्रमित नक्षत्रों, साथ देने वाले हाथों, दिलासा देने वाली आंखों और न थकने हारने वाले पांवों को दूध देना चाहता। मैं तुम्हारे लिए अभय की नहीं अनंत अदम्य की कामना करता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ उपहार या वरदान की तरह मिले। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बड़े होने पर यह संसार लगभग वैसा ही गड्ढमड्ढ और झिलमिल होगा जैसा कि बुढ़ाते समय मेरे लिए है। मैं तुम्हें अंधेरे से लड़ने के लिए न कोई मशाल दे सकता हूं, न उसे टोहने के लिए कोई लाठी। मैं इतना भर चाह सकता हूं कि देर सवेर तुम अपनी आग पालो, इसमें लपक और रोशनी हो और जिसे लड़ भिड़ कर अंत तक किसी तरह बचाए रख सको। सपने और सच में अंतर करना मेरे लिए हमेशा कठिन रहा है। शायद ये भेद तुम जिंदगी में जल्दी कर पाओ, पर चाहता मैं यही हूं कि शुरू को आखिर तक ले जाने वाली डोर सपने की ही हो, भले सच से बिंधी हुई। हम सपने के परिवार के हैं, सच की बिरादरी के नहीं। ये मेरी उलझन नहीं, जिम्मेदारी है कि विरासत में मैं तुम्हें देवता नहीं पूर्वज सौंपूं। मैं तुम्हें बताऊं कि अंततः हम हारते रहे हैं, पर बिना झुके या पछताए कि हम दूसरों के कृतज्ञ होते हुए भी अपनी डगर पर चलते रहे हैं, कि हम जरूरत के वक्त काम आए हैं भले हमें बाद में याद नहीं किया जाता रहा। हमारा समय तुम्हारे से बेहतर या बदतर नहीं ठहरेगा, वो भी अटा पड़ा है प्रेम से, कामना से और पिपासा से, अन्याय और क्रोध से, घृणा और बेचैनी से, पर उसी में चमकते सवेरे रहे हैं और उदास आश्वासन, लंबी न कटने वाली रातें, अनाम चिड़ियां, भरोसे के शब्द, समयातीत तक पहुंचने वाले क्षण, अंत तक सक्रिय बूढ़े, फिसल उलट जाते विन्यास, उम्मीद के स्थापत्य, लपकती आकांक्षाएं, मटमैले पर अमित सच भी, उनमें से उत्तराधिकार में तुम क्या लेना चाहोगे ये तुम पर है। लेकिन हम रहेंगे तुम्हारे आसपास अदृश्य समय की तरह, स्वस्थ की तरह, जो शायद तुम्हें किसी भी हालत में निष्प्रभ होने से बचा सके। मेरे पोते, तुम जो ईश्वर की तरह निश्चल, ब्रह्मांड की तरह अप्रत्याशित, सूर्य की तरह नवजात, अग्नि की तरह पवित्र, पृथ्वी की तरह पुरातन हो, मैं तुम्हें इन शब्दों से प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यही शब्द प्रार्थना की इबारत हो। जब मैं ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि कविता पर मैं बेशर्मी से 60 साल से लगा हुआ, तो मेरा सब और कुछ ये पारिवारिक व्याध ही बन गया है। मैं तो कवि हुई, मेरा सबसे छोटा भाई जो है उससे 20 बरस छोटा है वो भी कवि है, इसके दो जुड़वा बेटे हैं वो भी ससुरे कवि हो गए हैं, तो मतलब भाई भतीजावाद फैल गया है एक तरह से, भाई भी कवि और भतीजे भी कवि। तो जब वो होने वाला था यानी 1960 में, तो 3 या 4 दिन पहले मैंने अपनी माँ पर एक पहली कविता लिखी, उसको लेकर वहाँ थोड़ा विवाद हुआ था। बहरहाल अपनी आसन्न प्रसवा माँ के लिए 3 गीत, कांच के टुकड़े, कांच के आसमानी टुकड़े और उन पर बिछलती सूर्य की करुणा, तुम सबको सहेज लेती हो क्योंकि तुम्हारी अपनी खिड़की के 8 कांच सुरक्षित हैं और सूर्य की करुणा तुम्हारे मुंडेरों भी रोज बरस जाती है। जीवित जल, तुम ऋतुओं को पसंद करती हो और आकाश में किसी न किसी की प्रतीक्षा करती हो,
तुम्हारी बाहें ऋतुओं की तरह युवा हैं, तुम्हारे कितने जीवित जल तुम्हें घेरते ही जा रहे हैं, और तुम हो कि फिर खड़ी हो अलसाई धूप तपा मुख लिए, एक नए झरने का कलरव सुनती, एक घाटी की पूरी हरी महिमा के साथ। जन्म कथा। तुम्हारी आंखों में नई आंखों के छोटे छोटे दृश्य हैं, तुम्हारे कंधों पर नए कंधों का हल्का सा दबाव है, तुम्हारे होठों पर नई बोली की पहली चुप्पी है, और तुम्हारी उंगलियों के पास कुछ नए स्पर्श है। माँ, मेरी माँ, तुम कितनी बार स्वयं ही उगाती हो, और माँ मेरी जन्म कथा कितनी ताजी और अभी अभी की है। ये मेरे संग्रह की भी पहली कविता है। वो कवि क्या हुआ जिसने प्रेम न किया हो या प्रेम कविता न लिखी हो? असल में बड़ा कवि तो प्रेम और मृत्यु पर लिखे बिना बड़ा होता ही पाता। वो ये दो जो ध्रुवांत थे मनुष्य के अनुभव के, तो बहरहाल एक प्रेम कविता है। आओ, जैसे अंधेरा आता है अंधेरे के पास, जैसे जल मिलता है जल से, जैसे रोशनी घुलती है रोशनी, आओ मुझे पहनो जैसे वृक्ष पहनता है छाल को, जैसे पगडंडी पहनती है हरी घास, मुझे लो जैसे अंधेरा लेता है जड़ों को, जैसे पानी लेता है चंद्रमा को, जैसे अनंत लेता है समय को। एक तो हमारे सखाला के ऐसा कहना शायद ठीक नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही ये क्या संकेत है कि बंद कर देना चाहिए, बहुत हो गया ना? ठीक है, अच्छा। तो वैसे तो जगहें कम हो रही है, क्योंकि बहुत जगहों पर तो जगह तो कम होती जाती है, तो ये कविता प्रेम के लिए जगह है। और जैसे संगीत में जोड़ा होता है तो ऐसे जुड़वा है। प्रेम के लिए जगह। एक, उसने अपने प्रेम के लिए जगह बनाई, गुहार कर अलग कर दिया तारों को, सूर्य चंद्रमा को रख दिया एक तरफ, वन लताओं को हटाया, उसने पृथ्वी को झाड़ा पोछा और आकाश की तह ठीक की, उसने अपने प्रेम के लिए जगह बनाई। एक है। और ये दूसरी है प्रेम के लिए जगह। दो, एक सुनसान दोपहर, एक जनाकीर्ण शाम के छोर पर एकांत, लदी फंसी बस की तीसरी सीट, उसने प्रेम के लिए जगह बनाई, उसने देवताओं को बाहर ठेल दिया और पक्षियों से अनुरोध किया कि वे थोड़ा सा आकाश छोड़ दें, उसने एक बच्चे के हाथ से एक फूल छीना और एक पत्ती से थोड़ी सी हरी प्रतिमा उधार ली, उसने तितली गिलहरी और धूप के बीच प्रेम के लिए जगह बनाई। प्रेम कविता। वापसी, मतलब अक्सर तो वो वापस लौट के आती नहीं है, है ना, सबके या आता नहीं है जो भी अनुभव हो, तो ये वापसी है, वो आ गई है। हवा में बसी फूलों वनस्पतियों की सुगंध, बहुत नन्हे हाथों की तरह नरम बारिश। अब ये चोरी की पंक्ति है जो सिर्फ सितांश शर्तन को पता होगी। ई कमिंग्स की एक कविता है, नॉट इवन रेन है सच स्मॉल हैंड्स। तो ये मैंने वहां से बिना जाने याद आ गई, चुरा गई। वो आ गई है, हवा में बसी फूलों वनस्पतियों की सुगंध, बहुत नन्हे हाथों की तरह नरम बारिश, यहां से अदृश्य वृक्षों पर चमकती धूप, अपने असंख्य गानों के साथ भी सुनसान अंतरिक्ष। एक बच्ची अपना बस्ता भूलकर चहकती हुई चढ़ती है स्कूल की बस में, वो आ गई है, जैसे अनंत में आ गया है समय,
द्वार पर आ गया है सौभाग्य, धूप पर आ गई है, ओस पर आ गई है, धूप पर आ गई है, बारिश पर आ गई है, हरियाली वो आ गई। ऑशविट्स का नाम आप जानते हैं, जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड में एक बहुत ही बड़ा यातना शिविर बना था, जिसमें लगभग 20 लाख यहूदी मारे गए थे। तो मैं वहां दो बार गया हूं। मैं सोचता था कि मैं इस पर एक लंबी कविता लिखूं और शुरू करूं अपनी मां के लिए प्रार्थना से, और उसका समापन करूं अपने पोते के लिए, मां के लिए एक विलाप से, और खत्म करूं पोते के लिए एक प्रार्थना से, पर वो बहरहाल हो नहीं पाया। तो इसमें से एक दो कविताएं आपको सुनाता हूं, आठ स्विच पर है। बचे हुए को बीते हुए की तरह, मैं बचे हुए को बीते हुए की तरह देखना चाहता हूं, हरे के विवर में उभरती पीली दरार की तरह। नहीं, मैं नहीं था उस अधरात की गहमा गहमी में, जब वे उन सबको मवेशियों की तरह ठेले में भरकर वधस्थल की ओर ऐसी फुर्ती और जतन से ले गए थे, जैसे भोले भाले लोगों को सुबह किसी जरूरी अनुष्ठान के लिए पूजा घर ले जाया जा रहा। ये सही है कि मैं नहीं खड़ा था निर्विकार से हृदय के कष्ट लेते हुए, जब उस बच्ची को गड्ढे में फेंका गया था, जैसे वो बेकार पड़ गया पुराना बर्तन हो घूरे के काबिल। मैंने शब्दों को जली हुई हड्डियों की तरह राख के ढेर से कभी नहीं उठाया, और न ही उन्हें मवाद भरे घुसते काब की तरह कभी छुपाया। मैंने भव्य संगीत नहीं सुना मनुष्य की चमड़ी के लैंप शेड के मध्यम प्रकाश है। आपको याद होगा कि हिटलर की जर्मनी में यहूदियों की चमड़ी से लैंप शेड बने थे। फिर भी क्यों लगता है मुझे मैं जिम्मेदार हूं, कि मैं होता उस रात तो अपने पड़ोसियों का हाका होने पर भयातुर देखता रहता उन्हें ले जाए जाते। ईश्वर से, जिस पर मेरा कोई भरोसा नहीं, करता एक डरपोक प्रार्थना और अपनी भाषा को धो चोक पहुंच कर साफ कर लेता कीचड़ खून और डर से। दिन में घर घुसे लिखता धूप की उज्जवल दिन की निर्मल कविता। मैं नहीं था, पर होता तो चुप होता, इसीलिए मैं बचे हुए को बीते हुए की तरह देखना चाहता हूं, हरे के विवर में उभरती पीले की दरार की तरह। मैं अपनी प्रार्थना में दबी चीख सुनना चाहता हूं। इसी की एक और श्रृंखला है, अगर हो सके। ये थोड़ा मेरा तकिया कलाम जैसा है, अगर हो सके, अगर ये, अगर वो, अगर वो, मतलब जो कवियों के बस में और क्या होता है कि अगर ऐसा हो सके तो होना चाहिए, होता तो है। अगर हो सके तो मैं अपने समय के लिए उम्मीद की एक नई वर्णमाला लिखना चाहता हूं। कहां से शुरू करूं? कुल 3 फीट ऊंची झुग्गी में नवजात शिशु के रोने और बर्फ से ढके निर्जन अरण्य में वृक्ष के कोटर में अपनी मां की प्रतीक्षा करते पक्षी से। थ लिखूं यातना शिविर में दूसरे से पहले अपने को मरने के लिए प्रस्तुत करते युवक से, या जेल की दीवार पर मृत्युदंड की प्रतीक्षा करते हुए नाखून से उकेरे गए पद्य से। ये दोनों ऑशविट्स के रेफरेंसेस हैं। आखिरी दिन जिसके बाद ऑशविट्स भंग हो गया मित्र राष्ट्रों में चढ़ाई करने के बाद, तो 5-7 लोग वो निकाले जाते थे, और उनमें से जो वो था गार्ड चुनता था कि आज वो गैस चैम्बर में कौन जाएगा।
तो दो लोग थे, एक पादरी था यानी यहूदी पादरी, और दूसरा एक व्यक्ति था, वो बता रहा था कि वो उसके घर में उसकी बेटी है और उसकी बच्ची है और फलाना है, और संयोगवश वो चुन दिया गया। तो ये जो पादरी था, इसने उससे कहा गार्ड से कि आज इसको छोड़ दो मुझे। तो गार्ड भी दयालु होते हैं, हर नानाशाह थोड़ा दयालु भी होता है, आप तो बेहतर जानते होंगे। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और उस दिन ही वो, उसके बाद फिर वो मुक्त। तो उसका रेफरेंस है ये। था लिखूं यातना शिविर में दूसरे से पहले अपने को मरने के लिए प्रस्तुत करते युवक से, या जेल की दीवार पर मृत्युदंड की प्रतीक्षा करते हुए नाखून से उकेरे गए पद्य से। ना लिखूं आतंक के सामने लाठी चश्मे और चरखे के अविचित रहने से, या दंगे की आग में सब कुछ राख हो जाने के बाद एक लहू लुहान बुढ़िया को अपना घर खोजने में मदद करती अपना सब कुछ गंवा चुकी औरत से। अब जब अन्याय के कंगूरे दमक रहे हैं, जब क्रूरतम चेहरों की मूर्तियां चौराहों पर से अजायब घरों में हटा दी गई हैं, जब घृणा एक सुगठित वृंदगान की तरह छा रही है पृथ्वी पर, तब बिना कैद के भी हम सब बंदी हैं अपनी क्षुद्रताओं में। मैं अपने पोते के तोतले प्रश्न के उत्तर में कि तुम क्या कर रहे हो, इतिहास की कभी न साफ हो सकने वाली स्याह पड़ती स्लेट पर उम्मीद की एक नई वर्णमाला लिखना चाहता हूं, जिसमें संसार के सभी बच्चे अपनी इबारत बिना हिचक और डर के लिख सके। कविता का एक काम ऐसी चीजों पर, ऐसी जगहों पर ध्यान देना है जो हमारे ध्यान से अक्सर गायब रहती है। मसलन चींटी, तो एक ही कविता है चींटी। चींटियां इतिहास में नहीं होती, उनकी कतारें उसके भूगोल के आर पार फैल जाती हैं। किसी चींटी को न इतिहास याद रखता है, न कोई चींटी अपनी नन्ही सी काया पर इतिहास की धूल पड़ने देती है। चींटियां सच की भी चिंता नहीं करती, सच भी अपने व्यास में रेंग रही चींटी को शामिल करना जरूरी नहीं समझता। चींटी का समय लंबा ना होता होगा, जितना होता है उसमें वह उस समय से परेशान होती है, इसका कोई ज्ञात प्रमाण नहीं है। इतिहास सच और समय से परे और उनके द्वारा अलक्षित चींटी का जीवन फिर भी जीवन है, जिजीविषा से भरा पूरा, सिवाय इसके कि चींटी कभी नहीं गिड़गिड़ाती कि कोई उसे देखता नहीं, दर्ज नहीं करता या कि अपने में शामिल नहीं करता। कवि की मुश्किल ये नहीं है कि वो चींटी क्यों नहीं है, बल्कि ये है कि शायद वो है लेकिन न लोग उसे रहने देते हैं, न इतिहास सच या समय। तो इस पर बड़ी बहस हो रही थी कि शताब्दी में क्या हुआ, 20वीं शताब्दी संसार की सबसे खूंखार शताब्दी, इतने करोड़ लोग मारे गए इत्यादि इत्यादि। तो मुझे उस समय लगा कि आखिर शताब्दी पर कुछ जो बिल्कुल हाशिए के लोग हैं वो शताब्दी को कैसे देखते हैं। तो मैंने एक अंत के कगार पर शीर्षक से कविताएं लिखी जिनमें मछुआरा, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, कबाड़ी, इनकी तरफ से शताब्दी पर कुछ चिंतन है। कहाँ है सुसमा?
उसमें से मछुआरा कर दो। अब अगर पता चले कि दरअसल आकाश एक बहुत बड़ा जाल है जिसे किसी ने अंतरिक्ष के दृश्य जल में सूर्य चंद्र तारों नक्षत्रों पृथ्वी और ग्रहों को पकड़ने के लिए फेंक रखा है और जिसकी जाल फेंक कर आंख लग गई है, तो क्या आप उसे मछुआरा ही कहेंगे? हो सकता है उसका कोई और अच्छा सा नाम रहा हो जो अब न उसे या किसी और को याद रह गया है, हमें भी नहीं, हालांकि हो सकता है कि वो हमारा पूर्वज हो। जाल फेंकना अटकल लगाने जैसा है। हमें कहां पता होता है इस बार कौन सा सच हमारे फंदे में आने वाला है। जाल जब भारी पड़ता है और खींचने पर उसमें मछलियों की बिछलती चांदी नजर आती है तो हमारी आंखें भी मछलियों की तरह चमकने लगती हैं कि इस तरह एक डोंगे में समुद्र में इतनी दूर लगभग निहत्थे आना अकारक नहीं गया। समझ में आना कठिन है, कम से कम हमारी समझ में, कि जो जाल में फंसा है और तड़पता बिछलता है और थोड़ी देर में शांत हो जाता है, वो समय है या कि सच या कि सिर्फ थोड़ी सी मछलियां। हम समय से पहले, पौ फटने से भी पहले अपनी नावों में समुद्र में निकल आते हैं। कभी कभी पूरब में सूर्य ऐसे उछलकर निकलता है जैसे विशाल काय मछली हो, रोशन ललछोही हाथों से फिसलने फिसलने। ये जो पानी में डूबा पर धड़कता अपार फैला जीवन है, ये जो अपनी असंख्य आवाजों से पुकारता पानी है, ये जो बदलते मिटते पानी के आकाश की मछलियों के अनगिनत रंग हैं, ये जो धीरे धीरे गुनगुनाती जल वनस्पतियां हैं, ये जो बहना बहते जाना पार न पाना है, ये जो पानी के खिलाफ उसे चीरते हुए बाहों पतवारों और नावों की एक लगातार लड़ाई है, ये जो मैं हूं अपना जाल फैलाए, ये सब ऐसा क्यों लगता है जैसे कभी बीतता नहीं, जैसे इसका कोई इतिहास नहीं, बस है बस रहेगा। कभी कभी अपनी नाव पर अनमना बैठा सोचता हूं जैसे हम मरने के लिए नहीं जीते, वैसे ही ये मछलियां हमारे खाने के लिए पैदा नहीं होती। जो सुंदर है उसे देर सवेर कोई ना कोई लील क्यों जाता है? पानी का सच, जाल का सच, नाव का सच और मछलियों का सच एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो जाता है? ये सिर्फ हमारे समय का फेर नहीं है, ये तो सदा से ऐसा ही है। जैसे एक सच्चाई भी कि हम सब आखिरकार एक दूसरे के जाल में फंसे हैं और सवाल हर समय सिर्फ इतना सा है कि कौन किसको पहले फांसता और खाता है। मैं तो सिर्फ मछलियां पकड़ना जानता हूं, पर अगर किसी जाल में मैं फंस जाऊं तो अपनी असहाय मछलियों की ही तरह मुझे कहां पता है उससे बाहर निकलने की तरकीब। मैं शताब्दियों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, हालांकि युद्ध आदि के गुस्से कभी कभी मैं चाव से पढ़ता रहा हूं। ये जो खूंखार शताब्दी बीत रही है, कई बार मुझे लगता है कि आदमी के जाल में धोखे से मछली के बजाय आ गया मगरमच्छ है जो उसे लील रहा है। इसे नष्ट किए बिना कोई उपाय नहीं और फिर जाल फेंकना होगा ताकि अगली शताब्दी एक सुंदर मछली की तरह आए जिसे हम खाए बगैर वापस समुद्र में कुछ दुलार से छोड़ सके। सबसे पहले मछुआरे में भी ममता थी और बिल्कुल आखिरी मछुआरा भी सुंदर को कुछ न कुछ बचाएगा, तभी ना आदमी कहाएगा। मेरा एक नया कविता संग्रह आया है। मैं राजनीति पर कविताएं नहीं लिखता था, मैं राजनीति से अलग अपने को मानता था, पर राजनीति ने मुझसे अलग रहने का मौका नहीं दिया, तो धीरे धीरे वो भी उस पर हावी होती रही, तो मैंने भी उस पर हावी होने की कुछ कोशिश की। तो जो मेरा नया कविता संग्रह है घर आया, उसका शीर्षक है कम से कम।
उसके दो तीन आशय हैं, एक कम से कम मतलब ये सबसे छोटा संग्रह है तो इसलिए एक तरह से संख्या, और दूसरा ये है कि कम से कम हम कुछ और नहीं कर सकते तो बोल तो सकते हैं। तो ये कविताएं एक तरह से थोड़ा मेरे अपने स्वभाव से विपरीत अतिवाचाल आप कह सकते हैं कविताएं हैं। बहरहाल ये समय इनकार का है, जब बहुत सारे लाचारी में या भेड़िया धसान के तर्क से हां कह रहे हैं, जब हां कहना अपने को बचाने की कायर हरकत है, जब हां कहने का अर्थ सच्चाई से अलग तरह तरह के झूठ आंख मूंद कर मान लेना है, जब तुमको नहीं हरेक को शक के घेरे में ढकेला जा रहा है, जब तुमसे सीधे सच्चे पते बताने के बजाय हर कुछ को षड्यंत्र मानने की ओर बहाया बहकाया जा रहा है, तब ये समय इनकार का है। समय में अकेले पढ़कर भी अपने सच पर इसरार करने का समय है। सारे बेईमान और अभद्र शोरोगुल के बीच एक खरी आवाज बनकर उभरने का समय है। साफ साफ देखने की कोशिश करने का, चारों ओर हो रहे अत्याचारों की शिनाख्त करने और अपने को सबसे अलग न मानने और अपनी शिरकत को कबूल करने का समय है। समय से ये पूरी बेबाकी से कहने का कि वो कितना ही क्रूर हिंसक और हत्यारा क्यों न होता जा रहा हो, उसका प्रतिकार करने का और उससे बचने की कोशिश करने का समय फिर भी है। वो सब जो उसके पार जा सकता और हमारे आदमी होने की तमीज को बरकरार रख सकता। ये समय है जब लगता है कि बहुत समय नहीं बचा है, कि देख पाने का अभी भी सब कुछ के बावजूद समय है बचने और बचाने का। पीरा रही है उम्मीद की हरी पत्तियां, उन्हें झरने से पहले लोक लेने, अपनी शिथिल अंजलि में सहेज लेने का। ये समय इनकार का है, ये समय नायक बनने का नहीं कभी बने रहने का समय है। पृथ्वी पर उम्मीद कम हो रही है, पृथ्वी पर उम्मीद कम हो रही है। पक्षियों को लग रहा है वृक्ष कम हो रहे हैं जहां वे घोंसले बना सके, आराम कर सके। वृक्षों को लगता है उन पर ओस कम गिर रही है, धूल उनकी हरितिमा को ज्यादा ढांप रही है। नदियों में पवित्रता सूख रही है और अस्थि विसर्जन के लिए स्वच्छ जल दुर्लभ हो रहा है। जगह और जमीन नहीं बचेंगी दाह और दफन के लिए, शब्द कम हो रहे हैं, कविता के लिए अधिक नहीं बच पाएंगे। पृथ्वी पर उम्मीद कम हो रही है, लोग सच्चाई की तरहों में इस कदर दबे हुए हैं कि सपना देखना बंद कर रहे हैं। कहीं प्रलय का पूर्वाभास नहीं है पर चीजें बेहद गड्ढमड्ड हो रही हैं। लोग पड़ोस की मृत्यु को अनदेखा कर रहे हैं, मारे गयों का हिसाब कोई नहीं रख रहा है। उम्मीद कम हो रही है, अब भी नवजात फेंके जाते हैं घूरे पर और बूढ़ों को संतानें घर निकाला हर रोज दे रही हैं। स्त्रियों पर अत्याचार ऐसे निरंतर हो रहे हैं जैसे वे अंधेरे उजाले की तरह रोज की स्वाभाविक घटनाएं हों। पृथ्वी पर उम्मीद कम हो रही है। नाम हार का नक्शा अभी बन रहा है, इसका कोई संबंध 23 मई को आने वाले नतीजों से नहीं है और है। ही तो ये 2017 में थी। हमारी हार का नक्शा अभी बन रहा है, हम जहां से चले थे उसकी याद तो हमें है पर रास्ते में कितना धूल धक्कड़ मिला, कितने लोग साथ थे, कितने अलग हो गए, कितने सपने झर गए, कितने सच हम बटोर नहीं पाए, यह सब अब याद नहीं है। अब जब बहुत सारे हारे लोग साथ हैं लेकिन अब भी थके नहीं हैं, उनकी यादें धुंधला रही हैं, उनकी कुछ मोह बरकरार है और सच्चाई की डरावनी शक्लों के बावजूद
उनके कुछ सपने अब भी उनकी आंखों में हिलगे हुए हैं, हमारी हार का नक्शा अभी बन रहा है। काल से हारता है जीवन पर समय से नहीं, सच्चाई से हारते हैं सपने पर अपमान से नहीं। हम बहुत पहले जान गए थे कि हम जीत नहीं पाएंगे और हमें पता था कि हमारी हार तय है, पर मनुष्य होने की भोली मूर्खता से हम फिर भी ये मानते रहे कि चीजें बेहतर होंगी। दुनिया जितनी बदली उतने से हम ज्यादा बदल गए हैं, पर न थकने पर अड़े हैं। एक बूढ़ी जिद है जिसके सपने अब तक युवा हैं और जिसे अब तक थकान नहीं लग रही है और न ऊब घेर रही है, हमारी हार का नक्शा अभी बन रहा है। कवि सरगे जी की कविता है, कवि जो होते हैं हों, जो करते हैं करें, हाँ। लेकिन उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच गालिब का एक मिसरा है कि संभलने दे मुझे नाउम्मीदी क्या कयामत है, कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे। तो एक तरह से नाउम्मीदी के बारे में कविता लिखना भी उम्मीद का एक काम है, एक तरह की उम्मीद बनाना है, क्योंकि अंततः कविता नाउम्मीद नहीं हो सकती, ये उम्मीद का घर। उन्होंने सब कुछ ढा दिया है और अब जगह बिल्कुल साफ है, वहां पहले क्या था इसका कोई निशान बाकी नहीं रह गया। हमारे समय में कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती, देर सवेर वहां कोई काबिज होकर कुछ बना लेगा। अभी दूर दूर तक उम्मीद का कोई घर नजर नहीं आता। ये यादों से घिरे रहने और अपने ध्वस्त सपनों पर बिसूरने का मुकाम नहीं है, ये फिर एक और घर तामीर करने का वक्त है, जहां कुछ बसेरा हो हमारा और पक्षियों और घास फूस पेड़ों का, जहां दरवाजा हो जो दस्तक देने पर खुल जाए, जहां हवा और रोशनी खिड़कियों से आए और पड़ोस की आवाजें भी, जहां लगे कि हम आदमी हैं और हमारे पास सपने और सच दोनों हैं। कुछ कपड़ों चादरों बर्तनों घड़ों के अलावा कुछ बिछावन भी, जहां कुछ पुस्तकें भी जो हमें मनुष्य होना और हर हाल में मनुष्य बने रहना बताती सिखाती हों, जहां कुछ देर चुप और अकेला भी रहा जा सकता। उम्मीद का ऐसा घर अभी वक्त है, थोड़ी सी मोहलत की हिम्मत और मेहनत कर हम बना लें, कहीं और नहीं कविता में ही सही, एक अक्षर घर जिसे फिर ठाया न जा सके। लिखो, किसी और से नहीं कहा जा रहा है, अपने से कहा जा रहा है। लिखो कि अभी सपने देखने की मनाही नहीं हुई है और फूलों को खिलकर मुरझाने के लिए एक आज की मोहलत मिली हुई है। शब्द घायल भले हो गए हैं, उनमें सोच प्रार्थना और चीख बचे हुए हैं। लिखो कि उन सभी की कथा लिखी जानी है जो अकारण निरपराध मारे जा रहे हैं और जिन्हें न कब्र मिलती है न चिता और जिन्हें भूलना जुर्म में शामिल होना होगा। लिखो क्योंकि एक और महाभारत के लिए कुछ इंद्रास चाहिए, जिसमें विधवाओं का विलाप, बच्चों के चिथड़े हुए अंग और कोई दलित लाश बेशनाख्त शहर से बाहर फेंक दी गई हर महाकाव्य की वीर मर्यादाओं से बाहर दर्ज। लिखो कि जब वक्त मिले तो इतिहास उन्हें पहचान सके जो तरह तरह के मुखौटों में हत्यारे थे और जिन्होंने सुघरता से उनकी अंत्येष्टि की जो सिर्फ होने के कारण मारकर फेंक दिए गए थे। लिखो कि तुम्हें न भी बुलाया जाए लेकिन तुम अदालत में घुस बैठकर अपनी गवाही दर्ज करा सको और कह सको बिना आंख छपकाए कि वारदात के समय तुम चुपचाप देख भर नहीं रहे थे। लिखो ताकि अपनी मृत्यु के कई सदियों बाद तुम्हारे वंशज ये पहचान पाएं
कि भयावह रौरव के समय उनके एक पुरखे ने याद रखने, दर्ज करने और बोलने की कोशिश की थी। लिखो लिखो कि बहुत कुछ को नष्ट करने के अपार उत्साह के समय तुमने कविता के लिए समय बचाने की चेष्टा की, भले वो तुम्हें न बचा पाई हो। लिखो कि उम्मीद लिखी जाकर ही सपना और सपना लिखा जाकर ही सच्चाई बन पाता है। क्षमा करो, क्षमा करो स्वच्छ लोकतंत्र के निर्मल नागरिकों, तुम्हारे स्वच्छता अभियान में तुम्हारे साथ नहीं है और अपनी आत्मा की असह्य अपवित्रता और गंदगी में ऊब चूब हो रहा हूं। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी गिनती में नहीं हूं। मच्छर मारने का धुआं नगर पालिकाएं बिना चूके फैलाती रहती हैं। क्षमा करो नागरिकों, इन शंसता निरपराध को मानने की मारने की तुम्हारी अद्भुत वीरता में मैं अपनी कायरता के कारण शामिल नहीं हूं। क्षमा करो लोकतंत्र के मुखर पहरेदारों कि तुम्हारे वाग वैभव असत्य के गौरव गान में मैं अपनी कायर बेसुरी आवाज से सुर लगाकर उसको दूषित न करने की चालाकी बरत रहा हूं। मेरी चुप्पी मानी खेज भले हो बेअसर है। क्षमा करो भले विराजे देवताओं, तुम्हारे आसपास बढ़ते कचरे के ढेर कचरा कभी अपना कचरा नहीं मिला पा रहा हूं। बेसुरी प्रार्थनाओं और बेरहमी से तोड़े गए फूलों से घिरे रहने के कारण तुम ऊंचा सुनने लगे हो और हम जैसे अपनी अछूती बात तुम तक पहुंचा सकने की जुगत और अवसर गंवा चुके हैं। क्षमा करो, इसके पहले क्षमा मांगने और करने का सिलसिला भी खत्म कर दिया जाए। वर्ड्स फेल मी आफ्टर द चार्ज फेल आफ्टर द चार्ज वर्ड्स ऑफ श्री अशोक जी। शुड देयर बी एनी कॉमेंट्स क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? कोई नहीं, कहीं फरमाइश हो सांभळेली कवितानुं पठन सांभळवानी, कि आपने जो सांभळ्युं एमांथी कोई फरीथी सांभळवी होय? हमारे एक मित्र थे, हमारे लड़कपन के दिनों में, वो कवि भी थे, बाद में किसी मसरूप के नहीं निकले। उनकी एक कविता थी, प्रश्न पूछो प्रश्न का उत्तर न पूछो। आजकल तो प्रश्न भी पूछने नहीं दिया जाता और उत्तर कोई और देता है अगर पूछे भी जाए। All of us have very complicated relationship with our parents, particularly father. Most of us, for good or bad, are our mother's children. Father become a kind of... So this is a poem which I wrote. I could not write on him for a long time. I struggled with the idea that I should be able to do that, but I could not. But finally, I wrote this poem. I used to call him Kaka because my nieces used to call him. अब जब हमारे बीच कुछ और नहीं बचा है, थोड़े से दुख और पछतावे के सिवाय, और हम भूल चुके हैं तुम्हारे गुस्से और विफलताओं को, मेरे बारे में तुम्हारी आशंकाओं को, हम देख सकते हैं कि जीवन में आभिजात्य तो आ जाता है, गरिमा आती है बड़ी मुश्किल से। जीवन गरिमा देने में बहुत कंजूस है, हम दोनों को ऐसी गरिमा पा सकने का मुकालता रहा है। कोई भी अपमान, फिर वह देवताओं ने किया हो या दुष्टों ने, हम भूल नहीं पाए, जबकि जीने की झंझट में ऐसा भूलना स्वाभाविक और जरूरी होता। हमें विफलता के बजाय अपमान क्यों अधिक स्मरणीय लगा? ये हो सकता है कि
एक पारिवारिक दोष हो, एक किसान के बेटे के स्वाभिमान का, एक छोटे शहर के कवि की आत्मवंचना का। तुम्हें गए 35 बरस हो गए और मैं तुम्हारी उम्र से कहीं ज्यादा उम्र का होकर अभी बुढ़ा रहा हूं। तुम्हारे पास मुझे समझने की फुर्सत नहीं थी और मैं तुम्हें परखने में हमेशा अधीर रहा। अब जब हमारे बीच थोड़ा सा दुख और पछतावा भर बचा है, मुझ पथहारे को तुम देख पाते तो तुम्हें लगता कि मैंने अपनी जिद पर अड़े रहकर और अपमान को न भूल कर तुम्हें ही दोहराया है। असली दुख ये नहीं है कि इतने बरस नासमझी में गुजर गए, बल्कि ये है कि अंततः मैं तुम्हारी फीकी आवृत्ति हूं जिसकी तुम्हें या मुझे कभी कोई आशंका या इच्छा नहीं थी। I don't have it here. But let me see if there is some other which can. But not, I mean, you know, in the sense that. Kavita suna dete hain. उम्मीद के पास कम से कम एक घर तो होना चाहिए, हमारे अंधेरे के मोहल्ले में न हो, चकाचौंध की दमकती कॉलोनी में न सही, कहीं तो सपनों में न रंग बचे हैं न रोशनी, सच कहने की हर भाषा संदेह के घेरे में है, झूठ पर लगता है सबका भरोसा बढ़ गया है, सपने अपने टुच्चेपन से उबर नहीं पाते, मसीहा होना बंद हो गया है लेकिन छुट भैये असंख्य अवतारों में वापस आ रहे हैं, कुछ इधर है कुछ उधर, बीच में रुकना ठिठकना एक छूट गई आदत होकर रह गया है। ऐसे में कविता जैसी छोटी जगह में उम्मीद का घर कैसे बस सकता है, या कि छोटी जगह में रहकर ही उम्मीद और सब जगह छा सकती है, शब्दों में रोशनी हो तो शायद उम्मीद उधर आ सकती। आपने ये प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर देना किसी भी कवि के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि एक कविता बनाते कैसे हाँ? मतलब जैसे आप दीपशिखा से पूछें कि जलते कैसे, तो वैसे तो उसके उपकरण वो शायद बता देगी कि मुझे तेल चाहिए और रुई चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उन सब के बावजूद हो सकता है दीपशिखा ना बने। तो बहुत बड़ी भूमिका तो होती है स्मृति, आपको क्या याद आता है। याद वो नहीं आता अनिवार्यतः वही नहीं जो आपने देखा सोचा हो, जो आपकी कल्पना में भी हो कभी, तो कल्पना स्मृति दो तो ये बुनियादी तत्व है, और तीसरा भाषा। आखिर कविता भाषा में लिखी जाती है और भाषा की अपनी यादें हैं, उसके अपने बिंब हैं, पहले वालों ने क्या लिखा है कहाँ क्या है वो आपको याद आता है, वो भाषा में एक तरह से बसा हुआ होता है और उन अंतर ध्वनियों का कुछ एक विन्यास आप कर लेते हैं। तो हम जैसे हम लोगों के जमाने में, हम लोग इस पीढ़ी के हैं, इस पीढ़ी में जिज्ञासा बड़ी प्रबल थी संसार भर की कविता जानने की, और फिर उसी के बाद ये हुआ कि भाई हम संसार भर की तो कविता दूसरी जान गए, हमको अपनी ही कविता की परंपरा का इतना पता नहीं है, तो फिर हम लोग उस ओर भी मुड़े। तो इस सब ने मिलकर एक ऐसा संसार
बनाया है, स्मृतियों का, कल्पना का और फिर अंततः रचने का, तो इसलिए ये कहना कठिन है कि कौन कहां से आता है। वो बिना शब्द के कविता नहीं हो सकती, बिना बिंब के भी नहीं हो सकती, और बिना लय के भी नहीं हो सकती, और बिना कल्पना के भी नहीं हो सकती, और बिना स्मृति के भी नहीं हो सकती, और इन सब के बावजूद बिना रचना की बुनियादी क्षमता के भी नहीं हो सकती। आखिर ये सब तो कवियों के पास होते हैं, वो कवि क्यों नहीं हो जाते? अधिकांश होना बेकार समझेंगे, लेकिन मतलब क्या ये क्या कोई काम है? मैं तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया ही इसलिए कि कम से कम ये सिद्ध कर सकूं कि कवि चाहे तो ये भी कर सकते हैं। एक दूसरा ये कि हम मुझे अपनी कविता की स्वतंत्रता बचाने का अवसर मिले, कि मुझे खाने पीने में कोई समझौता न करना पड़े, और मैं तो मेरी मुश्किल ये है कि मैं बहुत लंबे उत्तर देता हूं। साहिर दुनिया जी का एक शेर है कि दुनिया के तजुर्बा को हवा जैसी शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वही बता रहा हूं। तो मेरा प्रश्न आपसे सर ये है कि क्या इससे बिल्कुल मुतासिर हुए बिना कभी कुछ दे सकता है? यानी जो देखिए माहौल में, हाँ ना, मैंने ये कई बार कहा है कि कविता और साहित्य व्यापक रूप से संसार के अनुराग से पैदा होता है। जो संसार से प्यार नहीं करता वो दुनिया भर के अच्छे काम कर सकता है, वो आततायी हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, ऋषि हो सकता है, कवि नहीं हो सकता। कवि की होने की तो शर्त ये है कि जो दुनिया मिली है हमें, हम उससे प्यार करें, पर उस प्यार का अर्थ ये है भी है कि हम उसमें कुछ विकल्प भी खोजते चले। यानी जो दी हुई दुनिया है वही हमारी सरहद नहीं है, हम उसके पार भी एक दूसरी दुनिया की भी कल्पना कर सके। तो बिना सांसारिक अनुभव के, यानी संसार का जो अनुभव है, जो दैनंदिन जीवन का अनुभव है, जो काम करने का, जागने सोने, थकने खाने पीने, झगड़ा करने, दोस्तों के साथ रहने, अकेला पड़ जाने इत्यादि इत्यादि, ये बहुत सारे जो अनुभव है, ये सब मिल के अंततः काव्यानुभव को जन्म देते। लेकिन हमारे एक बड़े कवि थे त्रिलोचन, उन्होंने एक बार ये बड़ा दिलचस्प कहा कि कविता सिर्फ अपने अनुभव से नहीं लिखी जाती, कविता दूसरों के अनुभव से भी लिखी जाती। यानी आप हो भी सकता है कि वैसा अनुभव आपको ना हो, आपने सुना किसी को ऐसा कहते हुए, किसी को लिखते हुए, तो उससे भी कविता संभव होती है। तो अनुभव एक शर्त तो है, लेकिन वो ऐसी शर्त नहीं है जिसका आप जब तब उल्लंघन करने को स्वतंत्र ना हो। तो कबीर का एक पद है कि बेहद क्या करे तो औलिया, हद करे सो औलिया और बेहद करे फकीर, और हद अनहद दोनों ताको नाम कभी। तो ये जो कवि नाम का प्राणी है, कवि नाम का जो जानवर है, ये हद और अनहद दोनों के बीच कहीं भटकता हुआ जानवर है। यानी कवि वही लोग होते हैं जिनको मंजिल न मिली, जिनको मिल गई वो फिर कवि क्यों होंगे? ऋषि महात्मा जो भी होना होगा हो जाएंगे। तो कवि तो वही है जो, और हम में से अधिकांश लोग जो है इसी भ्रम में है कि कोई मंजिल है। असल में मंजिल तो कोई है नहीं, रास्ता ही मंजिल है। यानी तरह तरह के जो रास्ते हैं वही मंजिल है एक तरह से, उसी में सुख है। चलने का जो सुख है वो कहीं पहुंच कर जड़ हो जाने के सुख से ज्यादा बड़ा है।